साल 2024 का आखिरी गुरु पुष्य योग नवंबर महीने में बनेगा, इसलिए इसे पूर्णकालिक गुरु पुष्य योग का नाम दिया गया है। इस योग में खरीदी गई वस्तुएं उत्तम फलदायी होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं साल का आखिरी खरीदारी का महामुहूर्त कब है, साथ ही साथ जानेंगे इसकी डेट और टाइम क्या है। दरअसल धार्मिक दृष्टिकोण से गुरु पुष्य योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। बता दें कि जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र उदित होता है तो उसे गुरु पुष्य योग, गुरु पुष्य नक्षत्र या अमृत योग भी कहा जाता है। 27 नक्षत्रों में गुरु पुष्य आठवां नक्षत्र होता है। ज्योतिष के मुताबिक गुरु पुष्य योग के देवता बृहस्पति और स्वामी शनि देव हैं। खरीदारी के लिए तो अन्य दिनों में भी शुभ मुहूर्त रहते हैं, लेकिन गुरु पुष्य योग को खरीदारी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आप इस दिन नए काम की शुरुआत करने के साथ ही घर मकान की खरीदारी, इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी आदि भी कर सकते हैं। साल 2024 का आखिरी गुरु पुष्य नक्षत्र 21 नवंबर को रहेगा, इसलिए इसे संपूर्णकालिक गुरु पुष्य योग भी कहा जा रहा है। ये साल का आखिरी गुरु पुष्य योग होगा। 21 नवंबर को गुरुवार का दिन होने के साथ ही सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिससे ये पूर्ण काल योग ज्यादा फलदायी रहेगा। साथ ही इसी दिन रवि योग और अमृत सिद्धि योग का संयोग भी बन रहा है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि गुरुवार के दिन बनने वाला ये योग खास फलदायी होने के साथ ही स्थिरता प्रदान करने वाला भी रहेगा। आप इस दिन पीले रंग की वस्तुएं, वस्त्र, धार्मिक सामग्री, किताबें, वाहन, मकान, सोने चांदी जैसी चीजें खरीद सकते हैं। खरीदारी और मांगलिक कार्यों के लिए 21 नवंबर को सुबह 6:49 से दोपहर 3:35 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। 21 नवंबर 2024 को गुरु पुष्य योग के साथ ही रवि योग, अमृत सिद्धि योग और शुभ योग भी रहेगा। इन चार योगों का संयोग 4 गुना फल प्रदान करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।